तेज सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है। मोदी 2.0 की विदाई, इस वक्त की बड़ी खबर ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं इस्तीफा देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और इसके बाद फिर एनडीए की बैठक, जिसके बाद नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया जाएगा नए सिरे से। अभी आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से क्या अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं नीरज। जी बिल्कुल रोमाना, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की जो कैबिनेट ने अनुशंसा की है, वो अनुशंसा पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि नई सरकार के गठन से पहले ये एक औपचारिक घटनाक्रम, एक औपचारिकता है, इसे पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। क्योंकि शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में सभी दलों से समर्थन लिया जाएगा और समर्थन पत्र लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से और समर्थन पत्र सौंपेंगे। और नई सरकार मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त राष्ट्रपति भवन वाले इलाके से ही हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से आपके पास क्या डिटेल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले या फिर उनके साथ अमित शाह या राजनाथ सिंह, बीजेपी के जो अन्य वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो भी नजर आ रहे हैं। अंकित, इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि अकेले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जो है वो जिस बात का जिक्र अभी नीरज कर रहे थे कि कैबिनेट को भंग करके जो ये 7वीं लोकसभा थी उसको भंग करने की मांग करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही वो भंग होगी उसके बाद में, जिस बात का कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपति की तरफ से मुमकिन है ऐसा जो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ये कहा जाता है कि जब तक नई सरकार जो है जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती है तब तक आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाले। तो जैसे ही जो प्रधानमंत्री की तरफ से सरकार भंग करने का जो चिट्ठी सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति की तरफ से कहा जाएगा कि आप नई सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ये भी जो है वो परंपरा का हिस्सा है कि जब तक अब नई सरकार का गठन नहीं होगा तब तक इसी जो सरकार रही है, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं को केयरटेकर पीएम के तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।